हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रामर टॉपिक आर्टिकल. ओके, व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल ऑल ऑफ यू नो बच्चों, सब आर्टिकल क्या होता है? ए, एंड और द. ठीक है, हम लोग ऑल ऑफ यू आर्टिकल हम लोग जानते हैं. ए एंड द आपका आर्टिकल होता है. ठीक है, फिर आर्टिकल आपका होता क्या है बच्चों? देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल. फर्स्ट वन इज अ डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकेंड वन इज अ इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल, व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल इट इज़ यूज फॉर द स्पेशल, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए होता है. एंड इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज फॉर अ जनरल. ठीक है, ये इसका ये क्या होता है आपका? ए और एन होता है. ठीक है, सो अब हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं कि आर्टिकल हम लोग यूज कब करते हैं. ठीक है, आर्टिकल का यूज हम लोग बच्चों जनरली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं. यानी कि नाउन, उसके मतलब नाउन आपका होना जरूरी है. जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, रीता वर्क्स इन अ बैंक. तो बैंक आपका जनरली एक प्लेस या जगह है, ये नाउन है. ठीक है, तो नाउन के पहले आपका क्या हमने यूज़ किया है? ए सिंगुलर, यानी ए एन द कोई भी चीज़ आपका आ सकता है. ठीक है, तो सिंपल इसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि आर्टिकल का यूज़ हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं. ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. कुछ और एग्जांपल लेते हैं. जैसे आपका यहाँ दिया है, आपका सेकंड एग्जांपल में ले लीजिए. अमन इज ए काइंड बॉय. यानी बॉय आपका नाउन है, तो नाउन के पहले ई आया है, तो आपका क्या हो गया? यानी ये भी एक आर्टिकल का हमने यूज़ किया है नाउन के पहले. ठीक है, और एक चीज़ और जनरल हमने बस ये है कि आपका आर्टिकल का यूज जो होता है आपका किसी भी नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है. ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट के यूज़ ऑफ ए और एन. यूज़ ऑफ ए एन मतलब ए और एन का यूज़ हम लोग कब करते हैं? ठीक है, यूज़ ऑफ ए और एन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द व्हाट व्हेन वी यूज ए. ए का यूज हम लोग करते हैं, ए मतलब होता है बच्चों सिंगुलर, वही चीज आपका. ए और एन का यूज हम लोग जनरली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं. ठीक है, तो ए और एन का मतलब होता है कोई वन, तो सिंपल है, यानी कि किसी भी सिंगुलर करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं. चलिए हम लोग जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर. और एक चीज और है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसको. वी यूज ए फर्स्ट, इम्पॉर्टेंट. We use A before consonant, before all of you know about the consonant. Consonant क्या होता है? जैसे A E I O U आपका vowel है, तो vowel के अलावा जो भी word आपके आएंगे consonant होंगे. ठीक है, consonant हो या मतलब generally consonant के पहले करते हैं. ठीक है, before we use A before consonant. जैसे एग्जाम्पल में आप कोई भी ले लीजिए, जैसे ही इज अ गुड ड्राइवर, कुछ भी लिख लीजिए. ठीक है, तो ये आपका ड्राइवर आपका क्या है, हमने यहाँ पे जी के अनुसार लेते हैं. जैसे आपका क्या है, आपका जी आपका गुड है, तो आपका नाउन के पहले तो होगा ए, है ना. ए आपका सिंगल नाउन है, तो ड्राइवर एक है, इसलिए ए का यूज होगा. लेकिन साउंड आपका इसके सवाल लेते हैं. ठीक है, तो जी आपका कंसोनेंट है, तो आपका ये आपका ए हो जाएगा. फिर इसी तरह एक एग्जांपल और ले लीजिए. जैसे माय फ्रेंड इज अ डेंटिस्ट. ठीक है, तो आपका डी भी है यहाँ पे. क्या चीज है आपका? डी आपका वॉवेल है, अरे सॉरी डी आपका कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट के पहले हमने ए ले लिया. ठीक है, तो इस तरह से आपका ये यूज करेंगे हम, कंसोनेंट के पहले ए का यूज करेंगे. चलिए इसी तरह आपका कुछ और ले लीजिए. जैसे अब आपका ये आ रहा है कि हम जैसे कभी कभी होता है बच्चों, एक जैसे हमने कुछ नेक्स्ट टॉपिक ले लिया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर टू में आप ले लीजिए कि उसको स्टार बना देते हैं, स्टार एंड स्टार. When you pronounced as you, जैसे when हम जब you का हम pronounce, जैसे when you pronounced as pronounced
as pronoun as you. जब हम यू को कैसे प्रोनाउंस करते हैं बच्चों, य के अनुसार. जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पे दिया है ए काउ इज अ यूजफुल एनिमल. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे आपका देखिए यू आपका वॉवल है, ठीक है, लेकिन आपका साउंड जो है आपका य आ रहा है. आपका साउंड क्या है आपका, य, यूजफुल, य साउंड आ रहा है. तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ए. ये इट इज यूज एज अ वॉवल, लेकिन हम यहाँ पे ए क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज पर क्या हमने टॉपिक लिया, व्हेन यू इज प्रोनाउंस एज अ य, जब आपका य जैसे प्रोनाउंस होगा देन व्हेन यूज एज, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, ए. ठीक है, इसी तरह एक दो और भी ले लीजिए. जैसे यहाँ पे आपका आई स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया है यहाँ पे सेकेंड में, आई स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो यहाँ भी बच्चों देखिए यू आपका क्या है, व्हाट इज यू, यू एज अ आपका वॉवल, यू आपका वॉवल है, लेकिन ये साउंड इट इज जनरली आपका ए आर, ये आपका यूज ए आर एन अकॉर्डिंग टू द साउंड. ठीक है, तो आपका वॉवल साउंड है या कंसोनेंट साउंड है, तो आपका यहाँ पे यू, ये आपका जो हो रहा है आपका कंसोनेंट साउंड है, इसलिए आपका यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से आप यूज करते हैं आई स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बी केयर अबाउट, सो डोंट बी कन्फ्यूज. ठीक है, वेन एवर वी यूज ए आर एन अकॉर्डिंग टू साउंड, वॉवल साउंड आर consonant sound. ठीक है, so simply we can say that, कर सकते हैं हम लोग. आइए next पे आते हैं हम लोग. चलिए next topic पे आ जाइए. next topic आपका क्या है, देखिए next topic में है आपका, जैसे यहाँ पे मैंने एक question दिया है, when o, यहाँ पे है when o pronounced as v, very important, next ध्यान सुनिए, when o pronounced as v, यानी जब आपका ओ, ओ इज, व्हाट इज ओ, ओ आपका क्या है बच्चों, ओ इज अ क्या आपका वॉवल साउंड, लेकिन जब ओ का साउंड आपका व के अकॉर्डिंग होगा देन वी यूज व्हाट, देन वी यूज ए. क्या यूज करेंगे, ए. फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, आई लॉस्ट अ 100 1 रुपी नोट, आई लॉस्ट a 1 rupee note. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए o is a what, o is a vowel sound, but vowel, but we here we use what, a. why we हमने a क्यों use किया, because o is a pronounced as a v, one. ठीक है, v आपके में आ रहे हैं, that is why you use here what, a का मैंने use किया है. ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत ही केयरफुल रखना है, इट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग, सो बी केयरफुल अबाउट दिस रूल, दिस इज वेरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल. ओके, तो नेक्स्ट वन, इसका एग्जांपल और भी हम लिख सकते हैं, जैसे ही मेट अ वन आइड मैन, सेकंड में एग्जांपल में लिख लीजिए, ही मेट अ one-eyed man. तो यहाँ भी बच्चों सिंपली देखिए आपका क्या है, आपका यहाँ वन वही चीज आ रहा है आपका, he met a one-eyed, यहाँ पे भी वह sound is there, सिंपल वही चीज है, he met a one-eyed man, यानी वह किससे मिला, one-eyed man से मिला. ठीक है, तो ये आपका हमने क्यों यूज किया, बिकॉज यहाँ पे सेम चीज है, वह sound is there. ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, यूज ऑफ एन, use of n पे आ जाइए, use of n,
ऑल ऑफ यू नो अबाउट एन का यूज हम लोग कहाँ यूज करते हैं. एन को वी यूज एन बिफोर द वॉवल साउंड. सो वी राइट हियर वी यूज एन बिफोर वॉवल. वॉवल साउंड जो वॉवल साउंड आपको मालूम है क्या होता है. आपको वॉवल साउंड में जैसे आप हिंदी में यू कैन राइट है जैसे अ का प्रोनाउंस आ रहा अ आ ई ई ए ऐ ओ मतलब इस तरह का अगर आपका साउंड है किसी भी वर्ड में इस तरह के साउंड है तो आपका क्या यूज करना है. एन का यूज करना है. वी विल यूज योर एन. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे आई लव टू ईट एन एप्पल. ठीक है एग्जाम्पल मैं आपका देख लीजिए यहाँ पर है. आई लव टू ईट एन एप्पल. तो यहाँ पे बच्चों क्या है देखिए एप्पल आपका ई साउंड साउंड इज अ ई का साउंड आ रहा है इसलिए मैंने एन का यूज करना है. वी यूज एन अकॉर्डिंग टू द वॉवल साउंड. ठीक है जैसा भी आपका साउंड है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं. आपका एक दो एग्जांपल और ले लीजिए यहाँ पे जैसे संजय इज एन ऑनेस्ट मैन. संजय कैसा लड़का है. संजय इज एन ऑनेस्ट. यहाँ एच का साउंड नहीं हो रहा है. एच इज अ साइलेंट. इज ऑनेस्ट ऑनेस्ट मैन. ठीक है तो यहाँ पे हमने एन का यूज किया है. ठीक है यहाँ बोलोगे सर एच एच आपका क्या है कंसोनेंट साउंड है. कंसोनेंट है बट वी यूज हियर अकॉर्डिंग टू द वॉवल साउंड. साउंड यहाँ पे आ रहा है ऑनेस्ट. ओ का यूज आ रहा है तो ओ के अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर एन. ठीक है इस तरह से हम यूज यहाँ पर करते हैं. ठीक है इसी तरह से नेक्स्ट पे आ जाओ आप जैसे कैन यू सीरियस दिस इसी तरह से आ जाइए आपका कुछ हम एब्रीविएशन है. वी यूज एंड बिफोर सम एब्रीविएशन. वी यूज and before some abbreviation. Abbreviation. जैसे हमने यहाँ पे लिया एन एफ आई आर. ठीक है एन एफ आई आर. तो यहाँ एफ इस ये साउंड आपका ए के अनुसार आ रहा है ए. तो यहाँ पे हमने एन लगाया. ठीक है इसी तरह आपका हो गया एन एम पी. इसी तरह कुछ और लिख लीजिए यहाँ पे जैसे एन एम पी. ठीक है तो यहाँ पे एन के अकॉर्डिंग ए आ रहा है तो यहाँ पे हमने एम यूज किया. तो सो वी यूज एन अकॉर्डिंग टू द वॉवल साउंड. जैसा भी आपका एक वॉवल साउंड होगा वी यूज एन. ठीक है अब नेक्स्ट यूज ऑफ द ऑल ऑफ यू नो बच्चों द का यूज हम लोग किसी भी स्पेशल चीज के लिए करते हैं. ठीक है द जैसे किसी भी स्पेसिफिक चीज हो तो वी यूज द. ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिया दिस इज द पेन आई वॉन्ट टू बाई. ठीक है एग्जाम्पल में ले लीजिए दिस इज द पेन. यहाँ पे पेन के ऊपर स्पेशल फोकस डाला जा रहा है कि दिस इज द पेन. ये वही पेन है जो आई वॉन्ट टू बाई जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ. सो वी यूज हियर द. व्हेन वी फोकस स्पेसिफिक स्पेसिफाई जब हम किसी के ऊपर ज्यादा फोकस डालते हैं देन वी यूज हियर द. ठीक है इसी तरह सेकंड पे आ जाओ. फिर इसके बाद है
when we talk about a noun in second time, second पे आ जाओ यहाँ पे, when we talk something, when we talk something, in second time. ठीक है, जैसे यहाँ पे he ate an apple, the apple was sweet. जैसे example में आप ले लो, he ate an apple. The apple was very tasty. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दिया ही एट एन एप्पल, यहाँ पे हमने एप्पल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसने एप्पल खाया. ठीक है, और फिर हमने कहा फिर दोबारा वी हैव टू यूज द एप्पल का सेकंड टाइम यूज किया जब हम, तो आपका यहाँ पे हमने क्या यूज किया, द मींस व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग इन सेकंड टाइम, ने एप्पल का जब सेकंड टाइम यूज किया तो व्हाट वी यूज हियर, द. तो इस तरह से हम किसी भी चीज का रेपिटेशन में क्या आ जाएगा, वो इट विल कम हियर द. ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे. फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट में कर लीजिए, द इज यूज्ड बिफोर द ग्रुप ऑफ पीपल. द इज यूज्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the is used before a group of people, before a group of people. जैसे जब द का यूज हम कब करते हैं, जब किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में शो करना हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा है, The rich आप सिंपल में कर लीजिए, द रिच हो गया, या द रिच कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे रिच का मतलब क्या हो गया आपका, रिच से जो भी धनवान लोगों का जो ग्रुप है उसके लिए हो गया. ठीक है, तो इसके लिए हम द का यूज करते हैं, और भी आप कर सकते हैं इसका यूज. थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट पे है आपका, व्हेन देयर इज ओनली वन थिंग, जब वर्ल्ड में कोई एक चीज हो तो उसके बारे में हम क्या यूज करते हैं, द का यूज. जैसे आपका हो गया द सन. ठीक है, द सन हो गया आपका, द मून, कुछ भी लिख सकते हैं आपका, द मून. ठीक है यार, ठीक है, एम स्मॉल कर दीजिए. ठीक है, जब द थिंग विच आर ओनली वन इन द वर्ल्ड, व्हेन वी यूज द सन द मून. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पे आ जाइए आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, we use the before the rivers या mountain. थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, we use the का यूज कर करते बिफोर river mountain sea ocean. तो जहां पे रिवर की बात हो, या माउंटेन की बात हो, या सी की बात हो, या ओशियन की बात हो, तो हम क्या यूज करेंगे, द. फॉर एग्जांपल में देखिए, जैसे है, जैसे द गंगा हो गया आपका, एग्जांपल में देख लीजिए, द गंगा रिवर, द गंगा लिख सकते हैं. ठीक है, क्या लिख सकते हैं आपका, द पैसिफिक ओशियन.
द रेड सी, द पैसिफिक ओशियन, और आपका क्या हो जाएगा, द रेड सी, इस तरह के हम यूज करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट आपका और है, जैसे यूज द बिफोर प्लूरल कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वी यूज द नेम ऑफ प्लूरल कंट्रीज, प्लूरल कंट्रीज में क्या आएगा आपका, देख लीजिए, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, द यूनाइटेड, ये आपका क्या है, द यूनाइटेड में ग्रुप ऑफ बहुत सी कंट्रीज से मिलके बनाए, यूनाइटेड किंगडम में आपके बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है, दैट इज व्हाई वी यूज। सो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं आर्टिकल का। सो आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वी मस्ट नो अबाउट, सारे चीज़ों को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, अदरवाइज इट विल बी कंफ्यूजिंग। सो बी केयरफुल एंड बी लिसन, वॉच इट टू टाइम एंड थ्री टाइम। So please like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.